और आप देख सकते हैं इनकी कितनी अच्छी शक्ल बन गई है। इसको मैं अब डिश आउट करूंगी। इसको आप दोपहर के टाइम धनिए पुदीने की चटनी के साथ खाएं या दही के रायते के साथ खाएं, आपको बहुत ही अच्छा बहुत मजा आएगा आपको खाना खाने का। ये देखें जी, हमारे मजेदार डिलीशियस किस्म के खट्टे आलू तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुकिंग और सेहत। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में खट्टे आलू। गर्मी के मौसम में बहुत ही लाजवाब डिश बनती है, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही मज़े की बनती है। मौसम गर्मी का है ना, सालन खाने को दिल चाहता है इंसान का। इसमें आप ये मज़ेदार से खट्टे आलू बनाएं और रायते के साथ खाएं दोपहर को, बहुत मज़ेदार लगते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैंने ले ली हैं जी, आधा किलो आलू ले लिए हैं, उनको मैंने बॉईल करके इस तरह से क्यूब्स में काट लिया। और मैंने ये 100 ग्राम्स इमली ली है, उसको मैंने भिगो दिया था पानी में। पानी में भिगो के उसकी गुठलियाँ मैंने निकाल दी हैं और ये इमली का पानी ले लिया है। 5 दाने मैंने लिए हैं आलू बुखारे के, 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं उनको ऐसे बारीक काट लिया है, और ये हरा धनिया है, पुदीना है, पिंच ऑफ येलो कलर है, और स्पाइसेस में हमें चाहिए 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और 2 चुटकियाँ तकरीबन चाट मसाला, और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, और 1/2 टीस्पून सफ़ेद और 1/2 टीस्पून सूखा धनिया। अब मैं आपको बताती हूँ उसको बनाने का तरीका। बड़ा ही आसान तरीका है, बड़े तेज़ी से 5 मिनट में आपके आलू बन जाते हैं जी। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ, यानी अपने झटपट खट्टे आलू की रेसिपी की तरफ। इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल आप अकॉर्डिंग टू अपने जो आलू हैं उनके मुताबिक आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल के, 3 से 4 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल के डालूंगी, ठीक है जी। अब मैं इसमें डालूंगी, अच्छा 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के डाल के मैं इसमें डाल दूंगी आलू। अच्छा, तो मैंने ये जो सारे मसाले लिए थे इन सब मसालों को मैं इमली के पानी में डाल दूंगी। ये देखें, मैंने जो सारे मसाले लिए थे वो सारे मसाले मैंने इमली के पानी में ऐड कर दिए हैं, ठीक है। ऑयल डाले मैंने, ऑयल में मैंने डाले हैं आलू। अब मैं उसमें डाल दूंगी ये इमली के पानी में मसाले जो मैंने ऐड किए हैं वो सारे, ठीक है। आलू क्योंकि हमारे बॉयल हैं, हम थोड़ी सी तेज़ आंच करेंगे, इसको हम करेंगे कुक ताकि मसाले जो हैं उनका कच्चापन निकल जाए। यहाँ पर अब मैं इसमें डाल दूंगी फूड कलर थोड़ा सा, यानी पिंच ऑफ फूड कलर। अगर आपने येलो फूड कलर नहीं डालना है तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसका उसकी तेज़ी नहीं होती लेकिन उसका कलर के लिए वो यूज़ होती है। यहाँ पर हम साथ ही इसमें डाल देंगे आलू बुखारे। बहुत ही जल्दी बनने वाली और गर्मियों के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन डिश है ये, ख़ास तौर पर आजकल जो गर्मी का मौसम है उसमें ये बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली डिश है। ये देखें जी, अब यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया मैंने बचा लिया गार्निश करने के लिए इसको, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें, ठीक है जी। आप ये देखें क्या इसका कलर है और क्या इसकी शक्ल है और क्या इसकी खुशबू है। हरा धनिया और पुदीना जो है वो ये खट्टे आलूओं की जान है, आप समझ लें, ठीक है। ये देखें जी, बस हमारे खट्टे आलू तैयार हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पर रखूँगी ताकि जो मसाला और आलू हैं वो अच्छे से वो हो जाएं और ऑयल निकल आए। ठीक है, अब मैं इसको रखती हूँ थोड़ी देर दम पर, फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके बताती हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही डिलीशियस खट्टे आलू बनेंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, हमारे जो आलू हैं खट्टे आलू जो हैं उनको मैंने थोड़ी देर दम पे रखा था, और आप देख सकते हैं इनकी कितनी अच्छी शक्ल बन गई है। इसको मैं अब डिश आउट करूँगी। इसको आप दोपहर के टाइम धनिए पुदीने की चटनी के साथ खाएं या दही के रायते के साथ खाएं, आपको बहुत ही अच्छा बहुत मज़ा आएगा आपको खाना खाने का। धनिए पुदीने की एक बेहतरीन चटनी की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्दी दूँगी। वाह जी, इतने अच्छे, इतने मज़ेदार
हमारे खट्टे आलू बने हैं। ये देखें जी, हमारे मजेदार डिलीशियस किस्म के खट्टे आलू तैयार हैं। इसको आप ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।